Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is Passive Circuit Elements, Resistors Part 2. इससे पहले के लेक्चर में हमने रेजिस्टर्स का पार्ट 1 कवर करा है. हम पैसिव सर्किट एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं. पैसिव सर्किट एलिमेंट्स हमने देखा है कि हम किस तरह से उसे डिफाइन करते हैं. देन एग्जांपल्स आपके रहेंगे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स. तो रेजिस्टर्स की ही हम स्टडी कर रहे हैं. इंडक्ट स्टडी हमने करी है. पार्ट 1 में हमने देखा है कि रेजिस्टर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. रेजिस्टर्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से रहेगी. वन इज लीनियर रेजिस्टर, अनदर वन इज नॉन लीनियर रेजिस्टर्स. देन देयर इज फिक्स्ड रेजिस्टर्स, वेरिएबल रेजिस्टर्स. फिक्स्ड रेजिस्टर्स में ही किस तरह से हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन रहेगी रेजिस्टर्स की. वायर बाउंड रेजिस्टर्स है, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर है, थिक फिल्म रेजिस्टर्स है, थिन फिल्म रेजिस्टर्स है. थिक फिल्म और थिन फिल्म के भी आगे कुछ एक क्लासिफिकेशन करी गई है. तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं. इसी के साथ साथ हमने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टर्स की स्पेसिफिकेशंस भी देखी थी कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर रेजिस्टर्स का किस तरह से रहेगा, देन रेजिस्टर की एजिंग या स्टेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, पावर रेटिंग किस तरह से डिफाइन करते हैं हम रेजिस्टर्स की, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं. तो चलिए, इसके अलावा जो रेजिस्टर्स के टॉपिक रहते हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. देन नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो भी रेजिस्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर में जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं वो हम कवर करेंगे. तो पहले आप रेजिस्टर्स का पार्ट 1 देख के आइएगा, तभी आपके लिए पार्ट 2 कंटिन्यू करना ईजी रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. वेरिएबल रेजिस्टर्स, फिक्स्ड रेजिस्टर्स हमारा कवर हो चुका है. तो चलिए वेरिएबल रेजिस्टर करते हैं. वेरिएबल रेजिस्टर है तो हमें नाम से ही पता चलता है कि ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर पाएंगे. कैसे करेंगे? मैनुअली चेंज करेंगे. एक वेरिएबल शाफ्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है. ये सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का. फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से रहता है. वेरिएबल रेजिस्टेंस में एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हम मैनुअली मूव कर रहे हैं और उस अकॉर्डिंग आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है. वो आपका वेरिएबल रेजिस्टर रहेगा. इट कैन बी वायर वाउंड और कार्बन टाइप. जब हमने क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग करी थी, हमने कहा था वन इज वायर बाउंड एंड अनदर वन इज कार्बन टाइप. तो ये वायर बाउंड भी हो सकते हैं, कार्बन टाइप भी हो सकते हैं. हमने इसकी क्लासिफिकेशन में कहा था कि हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर एंड रियोस्टाट. वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं, टू टाइप्स हैं. वन इज पोटेंशियोमीटर, रियोस्टाट देखेंगे किस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होंगे, किस तरह से हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और ये है क्या, इनकी वर्किंग क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. फर्स्ट वन इज पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर हो सकता है. ठीक है, एक रजिस्टर है जो कि वेरिएबल है इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे कि पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर का मतलब अगर नाम से ही समझ आ रहा होगा तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए. पोटेंशियल क्या रहता है? वोल्टेज. बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर में हम कर चुके हैं. तो पोटेंशियोमीटर आपका वोल्टेज मेजर करेगा किसी सर्किट की. एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को हमने यहाँ एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है. थ्री टर्मिनल डिवाइस आपके पास पोटेंशियोमीटर रहेगा. इसे टू सपोज कर सकते हैं, इसे थ्री सपोज कर सकते हैं. तो हो क्या रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है. यहाँ पे ये आपकी वेरिएबल शाफ्ट है, इसे आप चेंज करके यहाँ भी ला सकते हो, इसे आप चेंज करके यहाँ भी ला सकते हो. उस अकॉर्डिंग आपकी वोल्टेज जो है वो चेंज हो रही है. कैसे चेंज हो रही है? सपोज मैं वोल्टेज आउटपुट यहाँ ले, ये थ्री टर्मिनल और टू टर्मिनल के बीच में आउटपुट ले रही हूँ. तो अगर यहाँ वोल्टेज सपोज 6 वोल्ट लग रखी है, तो अगर मैं इसको बिल्कुल मिडल में ले लूँ, रेजिस्टर्स के टू पार्ट्स हो गए, बिल्कुल वोल्टेज डिवाइड होगी. कुछ भी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, सपोज 10 ओम थी, तो यहाँ 5 ओम हो जाएगा, यहाँ 5 ओम हो जाएगा. वोल्टेज डिवीजन रूल लगा ले तो हम कहेंगे वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगी. अगर ये बिल्कुल मिडल में है, यहाँ सपोज 5 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ कुछ वोल्टेजेस डेवलप होंगी, कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा. तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल मिडल में है, तो वो अगर 6 वोल्ट आपकी सोर्स वोल्टेज थी और आपका वेरिएबल शाफ्ट बिल्कुल मिडल में था, तो आउटपुट वोल्टेज 3 वोल्ट आ गई है.
इसी तरह से अगर ये लोअर वैल्यू पे है, दैट मीन्स इसके लिए अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है, तो वी इज इक्वल टू आई आर रहता है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है, दैट मीन्स यहाँ जो वोल्टेज डेवलप होगी वो भी कुछ एक कम रहेगी, 6 से तो कम ही रहेगी, 3 से भी कम रहेगी। बिल्कुल समझ आते हो? और अगेन अगर मैं कहूँ यहाँ 1 वोल्ट है, तो बाकी की 5 वोल्ट यहाँ रही होगी। तो उस अकॉर्डिंग हाँ, आप अपने पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, कितनी आपको आउटपुट में वोल्टेज चाहिए, उससे आप अपने एक वेरिएबल शाफ्ट से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग आपकी वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज हो रही है। अब 3 टर्मिनल डिवाइस है ये, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस बहुत सिंपल से आ जाते हैं, क्या सिंपल से क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो ध्यान रखेंगे 3 टर्मिनल डिवाइस है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज हो रही है। सोर्स पे एक आप वोल्टेज सोर्स लगाओगे, आउटपुट पे मेजर करोगे वोल्टेज शाफ्ट की, जो शाफ्ट है वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उस अकॉर्डिंग आउटपुट में वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एप्लीकेशंस है आपके पास कंट्रोल डिवाइसेस, एम्पलीफायर, टीवी सेट्स और वेरियस मीटर्स में हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। देखिए जिस तरह से हमने समझने की कोशिश करी, ये एक स्लाइडिंग आर्म है, वेरिएबल शाफ्ट है, ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है, ये स्लाइडिंग आर्म है, ये ऊपर नीचे हो रही है इस वेरिएबल रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, उस अकॉर्डिंग यहाँ जो वोल्टेज डेवलप हो रही है आउटपुट पे वो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे रियोस्टैट्स। रियोस्टैट अब हम कंपैरिजन भी इसका देखते जाएंगे पोटेंशियोमीटर के साथ। हमने कहा पोटेंशियोमीटर 3 टर्मिनल डिवाइस है, रियोस्टेट आपका 2 टर्मिनल डिवाइस है। जो पोटेंशियोमीटर है वो आपका किसी भी डिवाइस के साथ पैरेलली कनेक्ट होता है, बट रियोस्टेट है वो सीरीज में कनेक्ट होगा। देखिए अब पैरेलली क्यों कनेक्ट हो रहा है पोटेंशियोमीटर, सपोज मुझे यहाँ आउटपुट में, यहाँ मुझे कोई एक डिवाइस है, सपोज कुछ भी सर्किट है, ये मुझे यहाँ पे 3 वोल्ट चाहिए, तो मैं वोल्टेजेस जो है वो पैरेलल में सेम रहती हैं, और पोटेंशियोमीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज हो रहा है। दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ 3 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ मैं किसी भी डिवाइस को या किसी भी सर्किट को 3 वोल्ट के पैरेलल में कनेक्ट करूंगी, तभी उसमें वोल्टेज 3 वोल्ट आने वाली है। बट जो रियोस्टैट होता है वो यूज होता है आपके पास अमाउंट ऑफ करंट को एडजस्ट करने के लिए, कि कितना करंट आपको किसी डिवाइस में चाहिए, उस अकॉर्डिंग उस करंट को आप चेंज करना चाह रहे हो। रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टर है, रियोस्टैट है, उससे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जितनी आपको चाहिए। अब हम क्या कहते हैं, करंट सेम किस में रहता है, सीरीज में रहता है करंट सेम। तो हम अपने डिवाइस को, या कोई लैंप है, सपोज एग्जांपल लेके चले, ये एक लैंप है और ये एक रियोस्टैट है, मैं इसके साथ इस लैंप को सीरीज में कनेक्ट करूंगी, क्योंकि रियोस्टैट आपका करंट को कंट्रोल कर रहा है और करंट आपका सीरीज में सेम रहता है। पोटेंशियोमीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा किसी डिवाइस या सर्किट के साथ, क्योंकि पोटेंशियोमीटर आपका वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप कनेक्शन बना के चलेंगे, तो आपको रट्टे मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि आप बिल्कुल याद करके चले जाओ कि पोटेंशियोमीटर वोल्टेज है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो कंसेप्ट बना के चलोगे, उसकी बिल्कुल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करोगे, तो कोई भी क्वेश्चन उस पर आ जाए आप वो इजिली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इन जो पोटेंशियोमीटर और रियोस्टैट है, इसे बहुत इन डेप्थ में आपकी स्टडी नहीं करवाई जा रही है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट आपके सिलेबस में मेंशन है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, बट क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा, इजी रहेगा। तो इतना सफिशेंट है, अगर आपको लगता है कि इतना नहीं है तो आप कुछ और भी रिसर्च कर सकते हैं, नेट पे बहुत अच्छा मटेरियल पड़ा है, तो उसमें इन डेप्थ स्टडी आप कर सकते हैं। देखिए अब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, हमने कहा रियोस्टेट में करंट को एडजस्ट करा जा रहा है, तो करंट की वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है, ओम्स लॉ हमें पता है, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चेंज करेंगे, अगर कम कर दें तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ा दें तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ओम्स लॉ से हम ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है रियोस्टैट का, अब हम क्या कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किन वैल्यूज पे डिपेंड करता है, रो एल बाई ए, लेंथ पे डिपेंड करता है। हम कहेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर हम लेंथ को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर लेंथ को कम कर दें तो रेजिस्टेंस भी
कम हो जाएगा। तो यही आपका ऑपरेशनल प्रिंसिपल है रियोस्टैट का। हम क्या कर रहे हैं देखिए, ये आपका एक रियोस्टैट है, देखिए ये आपका एक रियोस्टैट है, टू टर्मिनल डिवाइस है, दिस इज वन एंड दिस इज टू। ठीक है, पोटेंशियोमीटर को भी आप रियोस्टैट बना सकते हैं अगर ये जो स्लाइडिंग आर्म थी, पोटेंशियोमीटर किस तरह से है, ये स्लाइडिंग आर्म है, अगर मैं इसे इस वन टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट कर दूं तो आपने पोटेंशियोमीटर को रियोस्टेट बना लिया। रियोस्टेट टू टर्मिनल डिवाइस है, तो देखिए ये हो क्या रहा है, यहां आपका रेजिस्टेंस है, तो ये जो रेजिस्टेंस का पार्ट है, अगर मैं इसे इसके साथ कनेक्ट कर रही हूं तो ये रेजिस्टेंस का पार्ट शॉर्ट हो जा रहा है। फिर अगर मैं इसे मूव कर रही हूं, अगर मैं इसे सपोज यहां करके लेके आती हूं तो ये यहां तक शॉर्ट हो जाएगा, अगर मैं इसे इस पॉइंट पे लेके आती हूं तो यहां तक शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। इस चीज का क्या मतलब है कि लेंथ जो है रेजिस्टेंस की, वो मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ स्लाइडिंग आर्म की वजह से। ठीक है, अगर यहां से शॉर्ट हुआ तो सपोज यहां इस पॉइंट पे है, ये चीज शॉर्ट हो चुकी है तो लेंथ अब कम हो चुकी है, तो लेंथ आपने इंक्रीज या डिक्रीज कर ली इसे मूव करके, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो गया, दैट मींस करंट का भी इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट डिक्रीज हो गया, अगर करंट डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो यही आपका सिंपल सा वर्किंग, इसका ऑपरेशन है, वर्किंग प्रिंसिपल है। देन क्या है, सीरीज के साथ कनेक्ट करा है और यहाँ पे आपके पास पावर सप्लाई है, जहाँ पे जहाँ से करंट आ रहा है। इसमें देख लेते हैं, हाई करंट्स जो कि मोटर और लैंप्स में रहेंगे, ये आपकी एप्लीकेशंस रहेंगी, मोटर्स और लैंप में ये रियोस्टेट रहेगा। ठीक है, सिमिलर कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर के जैसे ही है, बट ये दे आर लार्जर इन साइज बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर हाई पावर रेटिंग। ठीक है, बहुत सा करंट अगर इसने एडजस्ट करना है, दैट मीन्स करंट हीट, करंट जनरेट्स हीट, और हीट है दैट मींस हायर पावर रेटिंग होनी चाहिए। हायर पावर रेटिंग का क्या मतलब है कि कितना एनर्जी आपका रेजिस्टर इजीली सेफली डिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए रियोस्टेट जो है वो साइज में बड़े रहेंगे पोटेंशियोमीटर से, क्योंकि ये डील कर रहे हैं करंट के साथ, और करंट जनरेट करता है हीट, और हीट का मतलब क्या है, अगर हीट जनरेट हो रही है तो आपका रेजिस्टर जो है वो हीट इजिली डिसिपेट भी कर पाए, अदरवाइज रेजिस्टर बर्न आउट हो जाएगा। तो इसकी हायर पावर रेटिंग रहेगी, लार्जर साइज रहेगा पोटेंशियोमीटर से। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे दोनों चीजों का और उससे समझेंगे, तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। अब देखो दोनों में अगर हमें कंपैरिजन है, तो ये जो पूरा चार्ट है वो आपको समझ आता होगा। पोटेंशियोमीटर सेंसर इंस्ट्रूमेंट टाइप है, सेंसर ये है, वेरिएबल रेजिस्टर्स, नंबर ऑफ टर्मिनल्स टू हैं, थ्री हैं, सिंबल्स आपका पोटेंशियोमीटर का इस तरह का है, रियोस्टेट का इस तरह का है। जो पोटेंशियोमीटर है वो वोल्टेज कंट्रोल करता है, रियोस्टेट करंट करता है। ये लो पावर एप्लीकेशंस के लिए पोटेंशियोमीटर एप्लीकेबल रहेगा, ये सुटेबल रहेगा, ये हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए रहेगा। हाई पावर, हाई करंट्स, लार्जर इन साइज, किस चीज़ का मटेरियल्स का बन रखा होगा, ये स्टडी कर लीजिए आप। और मैंने आपको बता दिया कि जो पोटेंशियोमीटर है वो पैरेलली कनेक्ट होगा, और रियोस्टेट जो है उसका सीरियल कनेक्शन रहेगा, सीरीज या सीरियल कनेक्शन रहेगा। अब जो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रजिस्टर्स का, वो ये रजिस्टर कलर कोड है। अगर आप KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस के पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हर बार एक ना एक क्वेश्चन इस रजिस्टर कलर कोड पे आ ही रहा है, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि इस टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, और इसके बहुत से क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आपके साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करे जाएंगे, पर पहले मैं चाहती हूँ कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। अगर सीधे से क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो उस तरह से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही मैं कोशिश करूंगी कि जैसे ही आपका ये इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो, तो इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उस पर एक वीडियो बना दी जाए, ताकि वो क्वेश्चंस आप करो और आप में कॉन्फिडेंस आए कि इस ये क्वेश्चंस हैं, मैंने इतना सिलेबस कवर कर लिया है, ये मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो मतलब मेरी प्रिपरेशन जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है।
बट कुछ पहले कुछ पार्ट सिलेबस का कवर कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल वाला, देन हम उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे। तो देखिए, हमने कहा कि कुछ रेजिस्टर्स जो हैं वो बड़े से होते हैं, कुछ जो है उनका साइज स्मॉलर होता है। तो अगर वो रेजिस्टर बिगर है, ठीक है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है या टॉलरेंस हम पढ़ चुके हैं या वोल्टेज रेटिंग या पावर रेटिंग जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम रेजिस्टर के स्पेसिफिकेशंस में देख चुके हैं, जो कि आपका प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुका है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी पे प्रिंटेड रहेगी। एक रेजिस्टर्स है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में भी कि किस तरह के रेजिस्टर्स हैं, हमने उनकी इमेजेस भी देखी थी। तो इसमें क्या है कि हमने इसमें कितनी इसके रेजिस्टर है, सपोज 4 ओम है या 40 ओम है, ये वैल्यू टॉलरेंस प्लस माइनस 5% है, 10% है, या वोल्टेज रेटिंग कितनी है, पावर कितने वॉट्स की मैक्सिमम पावर डिसिपेट कर सकता है, वो सब स्पेसिफिकेशन रेजिस्टर की बॉडी पे प्रिंटेड रहेंगी। पर कुछ रेजिस्टर्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, और अगर हम उस पर उनकी वैल्यूज प्रिंट करें तो वो इतने स्मॉल हैं कि हम उसे हमें उसके लिए पढ़ना बहुत उसे उन रीडिंग्स को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि रेजिस्टर्स को कलर कोड कर देंगे। सपोज ये रेजिस्टर्स हैं, इस पे हमने कुछ बैंड्स बना दिए, 1, 2, 3 बैंड रेजिस्टर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो वो डिफरेंट ये जो बैंड्स होंगे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होंगे, और एक यूनिवर्सल मेथड हमने सेट कर दिया कि सपोज एक कलर है ग्रे है या ब्लैक है, उसको हमने एक नंबरिंग दे दी कि सपोज इसके साथ 0 या इसके साथ 1, ये हम देखेंगे अभी लेक्चर में आगे, इसके साथ 1 एसोसिएटेड है। तो एक यूनिवर्सल हमने मेथड बना दिया कलर्स का, और हमने ये एक मेथड बनाया कि किस तरह से ये कलर्स का क्या मतलब है, और उससे हम एक रजिस्टर की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो स्मॉलर रजिस्टर्स जिनमें ये कलर कोडिंग मेथड यूज होता है वो कार्बन कंपोजिशन और फिल्म टाइप रेजिस्टर्स रहते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टर्स बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीजें जैसे टॉलरेंस क्या रहेगी और रेजिस्टिव वैल्यू, उस रेजिस्टेंस की कितनी रेजिस्टेंस है, वो आपकी इन बैंड से पता चलेगी। और वॉटेज रेटिंग तो हमें फिजिकल साइज से पता चलती है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में हमने करा है, हम कहते थे अगर साइज बड़ा है तो उसकी रेटिंग ज्यादा है, अगर साइज कम है तो उसकी वॉटेज रेटिंग या पावर रेटिंग कम है। तो चलिए इस लेक्चर इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए इजी है टॉपिक, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कलर्स के साथ कुछ डिजिट्स को और मल्टीप्लायर्स को हमने एसोसिएट कर दिया। देखिए यहाँ पे है ब्लैक कलर, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। यहाँ तक अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके साथ हमने एसोसिएट कर दिया, और मल्टीप्लायर 10^0 से लेकर 10^9, ये हमने इनको साथ एसोसिएट कर दिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 10^0 का मतलब है 1, समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये मैथ्स का कंसेप्ट है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं याद आता है तो हम अभी हमने इसे रिवाइज कर लिया। ठीक है, देन हमने टॉलरेंस पढ़ी थी रजिस्टर की स्पेसिफिकेशन में, ठीक है, तो वो भी इसके साथ एसोसिएटेड है, सबके साथ नहीं है, ब्राउन के साथ 1 टॉलरेंस है, रेड के साथ 2, ये परसेंटेज में है, 1%, 2%, ग्रीन के साथ 0.5%, ब्लू के साथ 0.25, इसी तरह से वायलेट के साथ 0.1 है, गोल्ड और सिल्वर ये डिफरेंट है, गोल्ड, सिल्वर और नन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड, सिल्वर और नन, अगर नन का मतलब है कि कोई भी कलर नहीं है, सॉरी कोई भी बैंड नहीं है, तब आपकी टॉलरेंस कितनी होगी, 20%। अगर गोल्ड कलर का बैंड है तब आपकी टॉलरेंस कितनी होगी, 5%। अगर सिल्वर कलर का बैंड है तो टॉलरेंस कितनी होगी, 10%। ठीक है, तो अगर आपको कुछ मेथड रहते हैं इन्हें याद करने के कि ये किस तरह से रहेगा, तो एक मेथड है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ब्लैक से लेके वाइट तक आपकी बुक्स में भी स्पेसिफाइड होंगे, या आपका कोई एक अलग से मेथड भी हो सकता है अगर आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो ये है बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इससे आप याद रख सकते हैं, या आप कोई अपना भी मेथड बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बिल्कुल सही पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाले बी का मतलब क्या है, ब्लैक। देखिए सबसे डार्क कलर से हम शुरू कर रहे हैं, डार्क कलर से शुरू कर रहे हैं हम, और यहाँ पे लाइट कलर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट वाला है सबसे डार्क, सोच लो कि तो कौन सा याद आता है, ब्लैक, देन आपको याद आएगा ब्राउन, देन रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू आपका लोअर लेवल पे है, ब्लू, बी बी बी, 3 बार बी आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे डार्क कलर है ब्लैक, देन ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन,
ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड देन व्हाइट। तो इसके साथ डिजिट्स एसोसिएट कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और मल्टीप्लायर क्या कर देंगे, 10^0, 10^1, 10^2, इसी तरह से 10^3 से लेके 10^9 तक ये चीजें एसोसिएट कर देंगे। टॉलरेंस आपको याद करनी पड़ेगी, तो आप एक कोई मेथड बना लीजिए, और टॉलरेंस इन चीजों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड की टॉलरेंस 5%, सिल्वर की 10%, एंड अगर कोई भी बैंड नहीं है तो उसकी 20%, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया, उसमें टॉलरेंस की भी बात करी गई है, तो ये चीजें आप मिस नहीं करेंगे। तो देखिए, अब हमने कहा 3 बैंड रेजिस्टर हो सकता है, 4 बैंड हो सकता है, 5 बैंड हो सकता है। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए कितने बैंड्स दिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 बैंड्स हैं। अगर 4 बैंड का रेजिस्टर है, तो हम इस रेजिस्टर में इसकी रेजिस्टेंस कितनी है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और टॉलरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमें इस कलर कोडिंग से पता चल रहा है। तो देखिए, फर्स्ट जो डिजिट रहेगा, सॉरी फर्स्ट जो बैंड रहेगा वो आपका फर्स्ट डिजिट बताएगा, जो सेकंड बैंड रहेगा वो सेकंड डिजिट बताएगा, जो थर्ड बैंड रहेगा वो आपका मल्टीप्लायर बताएगा, और जो फोर्थ बैंड रहेगा वो आपकी टॉलरेंस बताएगा। 4 बैंड रजिस्टर में 4 बैंड्स हैं, लास्ट बैंड हमेशा आपकी टॉलरेंस बताएगा, उससे प्रीवियस वाला बैंड जो है वो आपका मल्टीप्लायर। कलर के हिसाब से 10^0 हो सकता है, 10^1 हो सकता है, 10^2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से ये ब्लैक कलर है और यहाँ ये ब्राउन कलर है, ये आपके डिजिट्स बताएगा। जैसे ब्लैक कलर के साथ क्या एसोसिएट करते हैं हम, 0, ब्राउन के साथ क्या करते हैं, 1। प्रीवियस वाला चार्ट खोल के देखिए और ये आपको चीजें समझ आएंगी। ग्रीन, सॉरी, ये रेड है, रेड के साथ रेड मल्टीप्लायर है, दैट मींस मल्टीप्लायड 10^ रेड के साथ क्या, रेड के साथ आपका मल्टीप्लायर रहता है 10^2। और ये क्या है, ये बैंड, ये जो बैंड है ये गोल्ड कलर का है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको ये कलर्स के साथ साथ यहाँ पे उसने स्पेसिफाई करा होगा पेपर में, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर आ रहे हैं उसमें स्पेसिफाइड है कि ये कलर कौन सा है, तो आपको मतलब कलर में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर वो येलो कलर की स्ट्रिप बना रहा है तो वो बताएगा कि वो येलो है, वो वायलेट है या ऑरेंज है, क्योंकि ऑरेंज और रेड में कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को, तो कलर स्पेसिफाइड रहते हैं। तो अगर ये गोल्ड होगा तो वो गोल्ड बताएगा, ठीक है। तो गोल्ड में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रही, 10^10^2, और ये टॉलरेंस की वैल्यू है। टॉलरेंस की वैल्यू गोल्ड में हमने कितनी देखी, टॉलरेंस गोल्ड में टॉलरेंस है 5%। गोल्ड में टॉलरेंस है 5%, दैट मीन्स 10^3 रेजिस्टेंस की वैल्यू है और उसके टॉलरेंस कितनी है, 5%। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, या क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर में ही आ रखा है कि ये वैल्यू आपको दे रखी है और आप बताइए कि बैंड्स कौन कौन से रहेंगे, तो इसके हिसाब से भी आपको बैंड्स बनाना आना चाहिए। 10^3 के हिसाब से आपको बैंड बनाना आना चाहिए कि फर्स्ट डिजिट क्या रहा होगा, सेकंड क्या रहा होगा, मल्टीप्लाई क्या रहा होगा, टॉलरेंस क्या रहा होगा, उस हिसाब से। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, इजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, इजी टॉपिक है। तो देखिए ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए फर्स्ट है येलो, तो येलो पे आप देखिए कि आपका डिजिट क्या आता है, 4, ठीक है। 4 बैंड है, तो फर्स्ट जो बैंड है वो डिजिट सिग्निफाई करेगा। सेकंड जो है वायलेट, वायलेट पे देखिए 7 आता है क्या, 7 रहेगा। ऑरेंज, थर्ड जो है वो ऑरेंज है, और थर्ड जो रहता है वो थर्ड डिजिट ना होके हमारे पास थर्ड मल्टीप्लायर रहेगा, थर्ड बैंड, तो 10^3 क्या हो जाएगा, 3। और गोल्ड है तो हमने देखा प्लस माइनस ऑफ 5%, तो ये क्या हो गया, 10^3 क्या रहता है, किलो। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 75 किलो ओम, और टॉलरेंस की वैल्यू क्या है, 5%। एक बात देखिए, इससे ही हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और क्या बना सकते हैं, हो सकता है कि उसने एग्जांपल्स में इस तरह से ना देके उसने पूछ रखा हो कि रेंज क्या रहेगी, 5%
देखिए, हमने क्या कहा था जब हमने टॉलरेंस को पढ़ा था, स्टडी करा था, तो हमने कहा था कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रेजिस्टर्स की, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टर बनाना बहुत मुश्किल है। हम कहा 10 ओम का रेजिस्टेंस बना दो, तो कुछ कंपोजिशन इस तरह से है कि वो 10 ओम से उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, एक ज्यादा भी होती है, हो सकती है। तो उसी कंसेप्ट के लिए हमने एक टॉलरेंस इंक्लूड करी है अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू में। तो 5% ऑफ दिस वैल्यू क्या रहेगा, हमने कैलकुलेट करना देखा था। देखिए ये कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, तो लोअर वैल्यू इस रेंज में कितनी होगी और हायर वैल्यू इस रेंज में कितनी होगी, वो आप निकाल सकते हैं, निकाल के देखिएगा। तो हो सकता है आपके पास आंसर्स में कुछ इस तरह की रेंज दे रखी हो, या कुछ डिफरेंट वैल्यू हो सकता है आपके पास लोअर वैल्यू में ही आंसर्स दे रखे हो सकता है आपके पास हायर वैल्यू में ही आंसर दे रखे हो। तो आपको अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, आपके पास 5 बैंड रेजिस्टर्स आ रहे हैं, तो 5 बैंड में आपके पास फर्स्ट जो बैंड है वो फर्स्ट डिजिट को स्पेसिफाई करेगा, सेकंड जो है वो सेकंड को। अब इसमें प्रीवियस केस में जो थर्ड था वो मल्टीप्लायर था, इसमें थर्ड जो है वो थर्ड डिजिट है, फोर्थ जो है वो आपका मल्टीप्लायर है, और फिफ्थ आपका टॉलरेंस है। ठीक है, यहाँ से टॉलरेंस है, सबसे लास्ट जो है आपका टॉलरेंस है, देन मल्टीप्लायर, और ये 3 है वो फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट। तो यही एग्जाम्पल है, देखिए फर्स्ट ब्राउन है, देन ब्लैक ब्लैक, देन अगेन ब्राउन एंड रेड। तो क्या आप इसकी रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, तो ब्राउन के लिए 1 हमने लिया, ब्लैक के लिए 0 है, अगेन ब्लैक के लिए 0 है, देन अगेन ब्राउन है। तो ये जो 3 डिजिट्स हमने ले लिए, जो नेक्स्ट वाला होगा वो मल्टीप्लायर सिग्निफाई कर रहा होगा, तो ये अगर ये ब्राउन है तो 10^1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज योर टॉलरेंस, तो प्लस माइनस ऑफ रेड पे टॉलरेंस कितनी आती है, 2%, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ ब्राउन ना होके अगर यहाँ भी ब्लैक हो जाता, तो आप यहाँ क्या करते, बाकी के सारे सेम रहते, और यहाँ ये जो फोर्थ बैंड है ये ब्राउन ना होके अगर ब्लैक होता, तो आप क्या कहते, 10^0, दैट मीन्स ये क्या हो जाता, 1, 10^0 इज इक्वल टू 1। तब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती, 100 × 1 इज 100, प्लस माइनस ऑफ 2 ओम, 100 ओम प्लस माइनस ऑफ 2 ओम। तो देखिए बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लायर जो आपका रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है, तो उसमें आपके पास 10^0 इज इक्वल टू 1 होने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए रेजिस्टर अंडर 10 ओम्स, इससे पहले हम 3 बैंड रेजिस्टर्स की भी बात कर लेते हैं। अगर 3 बैंड रेजिस्टर है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट आपका सिग्निफाई करेगा फर्स्ट डिजिट, सेकेंड सेकेंड डिजिट, थर्ड इज योर मल्टीप्लायर, और फोर्थ आपका बैंड नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसकी टॉलरेंस की वैल्यू रहेगी नन वाला केस, जिसमें कोई भी बैंड नहीं है, तो टॉलरेंस क्या रहेगी आपकी, प्लस माइनस ऑफ 20%। तो इस पे भी हम एक एग्जांपल देखेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे। तो अभी के लिए अगर आपके पास 3 बैंड रेजिस्टर है, 3 बैंड्स हैं, फर्स्ट डिजिट सिग्निफाई करेगा, सेकंड सेकंड, देन जो थर्ड है वो मल्टीप्लायर, टॉलरेंस की वैल्यू आप प्लस माइनस ऑफ 20% बाई डिफॉल्ट ले लेंगे। चलिए ये तो 3 बैंड हो गया। अगर 10 ओम से कम रेजिस्टेंस है, तो कलर कोडिंग कैसी होगी? वो देखते हैं। देखिए अगर देखिए जब भी हम बना रहे हैं 3 बैंड का रेजिस्टेंस भी, अगर हमने देखा तो सपोज यहाँ 3 बैंड थे, 1, 2 × 10^2, अगर सपोज 0 भी हो जाए तो ये भी 12 ओम बन गया, 10 ओम से ज़्यादा बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कलर्स कुछ भी हो जाए, 1 और 0 आ जाए,
इंटू 10^0, तो 10 ओम का रेजिस्टर्स 3 ओम थ्री बैंड में भी हम बना पा रहे हैं, और 4 बैंड और 5 बैंड में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू और भी ज्यादा आ जा रही है। देखिए 47 किलो आ जा रही है, इसमें कितनी आई है 1 किलो ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जा रही है। तो क्या मेथड रहेगा आपका अगर 10 ओम से कम, 10 ओम ही हमने क्यों लिया क्योंकि 10 ओम तक तो आप 3 बैंड से बना पा रहे हैं, अगर 10 ओम से कम रेजिस्टेंस की को आपने स्पेसिफाई करना है कलर कोड से तो क्या रहेगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो थर्ड बैंड है वो या तो गोल्ड रहेगा या सिल्वर रहेगा, ठीक है, स्पेसिफाई करा होगा। आपको लग सकता है कि गोल्ड और येलो कलर सेम सा है तो वो स्पेसिफाई कर देगा कि यहाँ ये गोल्ड है, ठीक है, तो ये गोल्ड है या सिल्वर अगर थर्ड बैंड रहेगा। तो हमने क्या देखा था कि अगर गोल्ड और सिल्वर में मल्टीप्लायर की बात करें, देखो ये 4 बैंड रजिस्टर दिखता है तो हम कहेंगे ये फर्स्ट तो फर्स्ट डिजिट है, सेकेंड सेकेंड डिजिट है, थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है मल्टीप्लायर है, और जो फोर्थ है वो आपके पास टॉलरेंस है। तो मल्टीप्लायर हमने गोल्ड या सिल्वर के केस में क्या देखा था, 10^-1 एंड 10^-2, या हम इसे कह सकते हैं 0.1 या फिर 0.01। तो अगर 10 ओम के रेजिस्टेंस से कम की वैल्यूज अगर स्पेसिफाई करनी है तो जो थर्ड बैंड है वो या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर 10^-1 या फिर 0.1 आने वाला है गोल्ड के केस में, और सिल्वर के केस में 10^-2 या 0.01 आने वाला है। तो चलिए ये एक एग्जाम्पल है, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या वैल्यू रहेगी। फर्स्ट जो है वो ब्लू है, ब्लू के लिए 6, व्हाइट के लिए 9, नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लायर, गोल्ड है तो 10^-1, नेक्स्ट इज योर टॉलरेंस वैल्यू, प्लस माइनस ऑफ टॉलरेंस क्या है सिल्वर, सिल्वर में कितनी रहती है 10%, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस चीज का क्या मतलब है 1/10 जो कि 69 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6.9 ± 10% आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स आप लेके चल सकते हैं और उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। चेकिंग रेजिस्टेंस विद ओहम मीटर, देखो ओहम मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस आपको इसे इन डेप्थ में स्टडी करने की ज़रूरत है, हमारे सिलेबस में मेंशनड है, तो हम देखेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी इसमें कितने डेप्थ तक जाने की ज़रूरत है। देखिए एक ओहम मीटर है, जो ओहम मीटर रहेगा उसके अपना वोल्टेज सोर्स रहता है, तो हमें कोई भी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत इसमें नहीं है, रेजिस्टेंस को मेज़र कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को मेज़र कर रहा है तो उसकी जो ओहम मीटर की स्केल है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उस चीज़ का क्या मतलब है कि सपोज अगर मैं 10 ओम का रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रही हूँ तो 1 to लेके सपोज 50 ओम की रेजिस्टेंस, 0 to 50 ओम की रेंज वाला मैं ओम मीटर यूज करूँ तो मैं 10 ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकती हूँ, बट अगर यही स्केल यही रेंज इसी स्केल का अगर मैं ओहम मीटर 100 ओहम की वैल्यू 100 ओहम की रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए यूज करूं तो आपका ओहम मीटर क्या शो करेगा, हाईएस्ट वैल्यू 50 ओहम, बट एक्चुअल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 100 ओहम। तो जितनी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके अप्रोप्रिएट स्केल होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी रीडिंग जो है वो इनकरेक्ट होने वाली है। आपको पता है जब भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज यहाँ R1 है ये R2 है, R इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट करते थे, क्या कहते थे R1 R2 R1 प्लस R2, रेजिस्टिव सर्किट में हमने ये देखा है और हम कहते थे दिस R इक्विवेलेंट इज लेस देन R1 और R2, क्योंकि क्या हो रहा है वैल्यू कुछ एक कम हो गई, अगर सपोज यहाँ 6 और 3 की थी तो आर इक्विवेलेंट कितना आता था 2 ओम, इस तरह का बहुत एग्जाम्पल हम कर चुके हैं 6 और 3 पैरेलल में, या 6 या 6 ही ले लें, 6 या 6 है इक्वल रेजिस्टेंसेस, तो R/2 रहता है इक्वल रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस 6/2 3 3 ओम, तो 3 ओम 6 से तो कम है, बिल्कुल कम है, तो हम क्या कहते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। ये अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप हमारा रेजिस्टिव सर्किट का टॉपिक देख के आइए, लेक्चर देख के आइए, उसमें बहुत इन डेप्थ में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो
तो हम क्या होना चाहिए कि किसी कोई भी पैरेलल पाथ नहीं होना चाहिए, जो हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसके साथ कुछ एक और पैरेलल पाथ हो गया, तो आपकी जो रेजिस्टेंस की रीडिंग ओहममीटर पढ़ेगा वो एक्चुअल में एक्चुअल रेजिस्टेंस से कम होगी, ठीक है। बाकी आप भी ओहममीटर की लीड्स को टच नहीं करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस 50 किलो ओम क्या अप्रॉक्सीमेटली रहता है, तो वो भी उस जो भी रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसके साथ पैरेलल में आएगा, और वो पैरेलल में आने की वजह से जो आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उतनी रीडिंग नहीं देगा, ओहममीटर कुछ एक कम रीडिंग देने वाला है। तो इस पे भी हम क्वेश्चन देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं तो वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन बनी रहती है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।